हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है स्वास्थ्यवर्धक शक्तिवर्धक हाई प्रोटीन वेट लॉस लड्डू। वेट लॉस लड्डू तभी होनेंगे जब आप इसको सही टाइम पर खाएंगे, और कितना खाएंगे ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो मैं आपकी दोस्त प्रमिला, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रमिला की रेसिपी में। तो सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी लड्डू हैं, खाने में इतने मज़ेदार हैं ना कि एक बाइट लेते ही मुंह में घुल जाते हैं। हमारे पूरे पूरे के शरीर के पार्ट्स के लिए ये गुणकारी हैं। अलसी, इसको हमें भूनना है लो फ्लेम पर। अलसी के फ़ायदे, अभी हम कुछ दिन पहले ही हमने एक अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर की थी जो कि ग्लूटेन फ्री थी, उसमें इसके हमने अनगिनत फ़ायदे बताए हैं। तो इसके लिए आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। इनको हम क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। जितने भी हमने यहाँ पर सीड भूनेंगे सभी को लो फ्लेम पर भूनना है, मीडियम या हाई बिल्कुल भी नहीं भूनना है। और जी हाँ, हमने यहाँ पर सारे सीड्स का यूज़ किया है, नो बादाम, नो अखरोट, ये सारी चीज़ें हमने नहीं ली है, यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनमें से हमने कोई भी चीज़ नहीं ली है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यह है हमारे कद्दू के बीज सनफ्लावर सीड, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जैसे कि हम बात करें कद्दू के बीज, कद्दू के बीज में बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ई और सी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से सूरजमुखी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई, ये सभी होते हैं, और कद्दू के बीज में विटामिन बी, ए और के ज़्यादा होता है। ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं। इससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है, स्ट्रेचेबल नहीं रहता है। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेच रहता है तो आपको वो नहीं रहेगा, यानी कि तनाव जो भी होता है वो नहीं होता है। तो ये सभी हमने भून लिए हैं, इनको उसी थाली में हम डालकर ठंडा कर लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपके साथ आपके दोस्त फैमिली मेंबर भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यह है हमारी खसखस। खसखस जो है, कई पोषक तत्व पाए जाते हैं खसखस में, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी और विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड होता है, ऐसे यानी कि ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। मखाने, मखाने के तो हमने अनगिनत बार इसके आपको फ़ायदे बताए हैं। इसके लिए आप हमारी कोई भी रेसिपी देख सकते हैं, इसका लिंक हम इसमें दे देंगे। चना, चना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके आपको फ़ायदे बता देते हैं। चना जो होता है एक रेसेदार होता है, इसमें फैट बहुत कम होता है, वेट लॉस करने में आपकी मदद करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है क्योंकि इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो बता दिए ना आपको हमने इतने सारे फ़ायदे। अब एक कप जैगरी लेंगे और एक कप क्या लेंगे हम, पानी, यानी कि हम इसमें मीठा कम रख रहे हैं और पानी ठीक रख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा ठीक चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी को हमने ठंडा करके दरदरा पीस लिया है। दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर जो हमने जिंजर पाउडर डाला है यानी कि सौंठ, वो सर्दियों के लिए बेस्ट होता है, उससे आपको कोल्ड वगैरह भी नहीं होते हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, रीढ़ की हड्डी आपकी यानी कि स्पाइन जो कमज़ोर होती है उसमें दर्द रहता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, घुटनों की ग्रीस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है इन लड्डू को अपनी डाइट में शामिल करने से, वो भी अच्छे हो जाते हैं। यानी कि शरीर का कोई भी पार्ट अगर आपका दर्द करता है सर्दियों में, या सुन हो जाता है, या सर में दर्द रहता है, तो उसके अनगिनत लाखों फ़ायदे हैं। इतने ज़्यादा ये शक्तिवर्धक स्वास्थ्यवर्धक हाई प्रोटीन वेट लॉस लड्डू हैं। अब वेट लॉस लड्डू ये कैसे बनेंगे, वेट लॉस इसीलिए क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मखाने में हमने एक छोटी सी चम्मच का इस्तेमाल किया है, वो भी एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। खाना किस तरह से है, मॉर्निंग में चाय या दूध के साथ एक लड्डू आप डेली खाइए, इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। आपको नाइट में बिल्कुल भी नहीं खाना है, नाइट में खाने से आपका वेट बढ़ेगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।